हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति गुरुकुल। आज हम ऐसे देखेंगे क्रिटिज़म टाइमलाइन पे, एंड ऐसे ऑन क्रिटिज़म टाइमलाइन। ये 250 वर्ड्स का ऐसे है फ्रेंड्स, एंड मैं आपको गो थ्रू करके बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, बट आपको कोई वर्ड अगर समझ में ना आए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लिखने में आप लोगों को कोई डाउट नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Criticism as an essential component of intellectual discourse serves as a mechanism for evaluating, analyzing and interpreting various works, ideas and actions. In the realm of literature and art, criticism plays a role in shaping the understanding and appreciation of creative endeavors. Through critical analysis, individuals can assess the merit and shortcomings of a given work, thereby contributing to a deeper comprehension of its complexity. The purpose of criticism. Criticism serves as a multifaceted purpose in society, encompassing both evaluate and educative functions. As its core, criticism aims to assess the quality, relevance, and significance of a particular work or idea. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे का टॉपिक अच्छा लगा होगा और ऐसे अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, ऐसे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिटिज़म्स। क्रिटिज़म्स कैन मैनिफेस्ट इन डाइवर्स फॉर्म्स, ईच टेलर्ड टू सूट द कंटेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनालिसिस। लिटरेरी क्रिटिज़म्स फॉर इंस्टेंस फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ literary work, exploring them themes, characters and narrative techniques. Art criticism devolves into the aesthetic qualities and historical significance of visual art, shedding lights on the artist's intentions and the artwork culture impact. Criticisms in academia takes the form of peer reviews, scholarly analysis and research critics, contributing to the advancement of knowledge and intellectual discourse. The art of constructive criticisms. Offering constructive criticism is an art that requires tact, empathy and a genuine desire to facilitate growth. Constructive criticism aims to identify areas for improvement while acknowledging the strength and accomplishment of the individual or work being assessed. So friends, ये criticism के ऊपर ऐसे था। आई होप आप सभी को पता होगा कि आज भी लोग मतलब बहुत criticize करते हैं एक दूसरे को, या फिर कोई किसी को बर्थडे नहीं देना चाहता। क्रिटिज़म को हम पॉजिटिव वे में ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है या पेरेंट्स है, अगर आपको वो किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि जस्ट लाइक ये आपका गलत है, आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो वो एक क्रिटिज़म अच्छे वे में हो सकता है। अदरवाइज़ जो हर जगह आप देखते होंगे, रैगिंग से लेके सीनियर से लेके, अगर आर्ट में जाए, डांस में जाए या फिर किसी और क्वालिटीज़ में जाएँ, किसी और हॉबीज़ में जाएँ, तो हर जगह लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए खड़े रहते हैं। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और कोई भी निगेटिव कमेंट को पॉजिटिव वे में कैसे लेना है आप उसके लिए सोचिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ऐसे पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।